हेलो एवरीवन, आज मैं केले की रेसिपी लेकर आई हूँ। डोसा मतलब मैं केले से डोसा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आलू को बॉयल करके उसको मैश करके और इसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाल के तेल में मैंने जीरा डाला है और थोड़ा सा हरी मिर्च डाली है और आलू डाल के फिर मैंने इसमें नमक हल्दी और थोड़ा सा मैंने इसमें मसाला डाला है और धनिया की पत्ती। तो ऐसे मैंने ये तैयार कर लिया है बैटर। तो यहाँ पे मैंने दो पके हुए केले लिए हैं और इसमें थोड़ा सा दूध डाले हैं। अब इसको मैं मिक्सर में पीस लूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी मैदा लिया है और 5-6 चम्मच मैंने सूजी इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, नमक बिल्कुल चुटकी भर लूँगी, 2 चुटकी नमक है ये मैंने डाल दिया है। और इसमें मैं लूँगी 1.5 चम्मच मैं इसमें चीनी लूँगी। अब बस इसमें मैं ये जो केले का पेस्ट तैयार किया है इसको मैं डाल दूँगी और इसको खूब अच्छे से इसको फेंट लूँगी और इसमें थोड़ा पानी भी डाल दूँगी, इसको एक अच्छा पतला बैटर बना लूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा केला वो है, इसको इसी में मसल लेती हूँ। अब बस इसका खूब फेंट के खूब इसको स्मूथ कर लेना है। तो ये देखिए मेरा मीठा चटपटा बैटर बनके तैयार हो गया है और इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना। ये देखिए कैसे स्मूथली हो गया है। अब इसके लिए मैं चल रही हूँ अपना तवा गरम करने, अच्छे से ऑयल लगा ले रही हूँ। अब बस तवा गरम हो जाए। तो ये देखिए मेरा तवा गरम हो चुका है। अब इसमें मैं इस बैटर को डाल दूंगी। इसको ऐसे राउंड राउंड करके इसको चारों तरफ फैला दूंगी। बस ये एक साइड से सिक जाए और आंच को बहुत तेज नहीं रखना है, थोड़ा सा स्लो करने के बाद आप बीच में मीडियम कर लीजिए। तो बस इस पे मैं ऊपर से हल्का हल्का ऑयल लगा लेती हूँ और ये एक साइड से अच्छे से सिक गया है तो इसको मैं पलट ले रही हूँ। ये देखिए अब बस दूसरे साइड से भी इसको अच्छे से सेक लेना है। तो ये देखिए मेरा दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक गया है। अब मैं आँच को थोड़ा सा स्लो कर ली हूँ और इसमें मैं ये जो आलू का बैटर बनाई हूँ इसको अच्छे से एक साइड इसको लगा ले रही हूँ और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा कितना अच्छे से बन गया। बस मैं इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की चटनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दही लिया हुआ है। अब इसमें मैं एक मिर्ची डाल दूँगी और चुटकी भर नमक डाल के इसको मैं मिक्सर में एक बार चला लूँगी। तो यहाँ पे मैंने नारियल पीस लिया है, अब मैं इसको इस दही में मिक्स कर दूँगी। तो मैं चटनी के लिए तड़का तैयार कर ली हूँ। इसमें मैंने ऑयल लिया है और राई लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है और करी पत्ता लिया है और एक लाल मिर्च का टुकड़ा लिया है। तो इसको मैं दही और जो नारियल मैंने मिक्स किया है उसमें मैं ये तड़का लगा दूंगी। तो ये मेरे नारियल की चटनी बनके तैयार हो चुकी है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो इसी जार में मैं अपना टमाटर का चटनी बना ले रही हूँ। टमाटर है, हरी धनिया है, लहसुन, हरी मिर्च और नमक। तो ये देखिए मेरा केले से बनके डोसा तैयार हो गया है। ये देखिए
बहुत सॉफ्ट बना है। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा और बड़ा भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नारियल की चटनी बनाई है, और ये बनाई है मैंने धनिया की पत्ती और टमाटर की चटनी। ये है सॉस लिया है मैंने, और ये है चिली सॉस। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी अपनी रेसिपी शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो ये मेरे यहाँ तो सभी को बहुत पसंद आया, स्पेशली मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। तो अगर बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो इसका मतलब सभी को अच्छी लगती है। तो थैंक यू, बाय बाय।